से बात करते हैं ऐसे हम घर में बैठे हुए, सही है? शेर मर रहा है, वो तो पूरा लकवा पकड़ा है उसको जिंदगी के पास। दिखाओ इतना बड़ा जाल लगा के अंदर क्या है, बिल्ली व्हाइट शेर नहीं, कलर किया हुआ है तो है। देखो ये भी ना उठ रहा है ना बाहर निकल रहा है, ये सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बीमार है ये। यार हम खुश ना बे ना वो भाई, क्या मसला है? आपको क्या लग रहा है शेर नकली है? नकली है, रिमोट वाला लग रहा है यार। फिर शेर है ना, उसको गंदा कर दिया, बिल्कुल नहलाया नहीं है, नहलाया। दोस्तों आज की वीडियो आपको हंसा हंसा कर जो है आपका पेट दर्द करने वाली है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ पाकिस्तानी जो जू, जिसमें आपको गधों के अलावा भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में और कौन कौन से जानवर हैं। और ये इतना ज़्यादा फनी वीडियो है कि भाई आप लोग पूरा तो देखोगे ही और पूरे वीडियो को देखते देखते हंसते हंसते पागल हो जाओगे। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में किस तरीके के जू होते हैं और वहाँ पर कौन कौन से जानवर लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। शेर, ओ, आज आपका भाई आया है जू। जू कोई मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है क्योंकि आपका भाई है सिंगल और शायद सिंगल ही मर जाए। तो आए चिड़िया घर में, जो आज मैं आया हूँ तो जानवर को देखते हैं, इंसानों को देखते हैं और देखते हैं इन दोनों में से कौन बेहतर है। नॉर्मल बात करेंगे, ऐसे बात करते हैं ऐसे हम घर में बैठे हुए, सही है? और घर ही हमारा चिड़िया घर है। सर आप यहाँ पर आए, सीधा जो सही सही बात है वही ना, हाँ। जो बेड़ा खराब किया हुआ है यार, यहाँ अफसोस हो रहा है ना, बेड़ा खराब किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे जानवर वानवर नहीं है, बस ऐसे ही लोग आ रहे हैं यहाँ पे, भी पिंजरे सारे खाली पड़े हुए। सर आप यहाँ पर आए हुए, कैसा लगा आपको? बोरियत है ही नहीं कुछ, शेर मर रहा है और वो दूसरे शेर को देखो, वो तो पूरा लकवा पकड़ा है उसको, लकवा पकड़ा है उसको बेचारे। सर आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? घूमने आए हैं। आप घूम रहे हैं जी? आप तो खड़े हैं। नहीं मतलब खड़ा हुआ है ना। अच्छा घूम कर आ गए आप। तो सर आप यहाँ पर आए, आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? हमने छोटा था, दबाता था, उस टाइम का निज़ाम अच्छा था। अभी जब आ रहा हूँ बच्चों को लेके, तो बच्चे भी यही बोल रहे हैं शायद अब्बू पागल बना रहे हैं। अभी मुझे बोल रहे घर चलो। चिड़िया घर में पहली बात तो चिड़िया तो होती नहीं है और जानवर भी नहीं, नहीं है ना जानवर, बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर। आप जिंदगी के पास दिखाओ इतना बड़ा जाल लगा के अंदर क्या है, बिल्ली नहीं है ना, बिल्ली तो उसने अभी वहाँ पे रोड पे पकड़ रहा था, ये बोलते इसमें क्या, तो बालू था लेकिन यहाँ पे अभी बालू है नहीं, मर गया वो। मगरमच्छ है ही नहीं, क्या घूम रहा? बिल्ली है। ये पिंजरे किस चीज का है? ये बतख का है लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा, नजर कोई नहीं आ रहा। और पानी का हाल देखो यहाँ पे, देखो अंदर इसमें जानवर भरे। मलीर नदी का पानी साफ साफ है। ये देखें ये बंदर है, और कहा जाता था कि पहले के जमाने में इंसान जो है वो बंदर हुआ करते थे। अंकल सही बात है ना, कहते हैं ऐसा लोग जी, सुना तो ऐसे ही, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। एक बार इसको जरा खेल ही खिला रहे हूं, आप वीडियो बना रहे हैं। अरे लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे जानवर नहीं है। नहीं जानवर बहुत है यहाँ पे, जानवर की कमी नहीं है। जानवर की कमी नहीं है? नहीं जानवर बहुत है यहाँ पे। कहाँ है? हर जहाँ पे नज़र मारे वहाँ पे जानवर है, हर जगह पे जानवर है। वाइट शेर यहाँ पे, वाइट शेर है? हाँ यहाँ पे। मुझे साथ चल के दिखाएंगे आप? वाइट शेर है ना, वाइट चलें। नहीं है वाइट शेर है, चलें ज़रा दिखाएं नीचे साइड पे है ना। हाँ चलें, फोटो खींचते फिर चले जाएं। हाँ खींचे खींचे, अभी वाइट शेर देखने जा रहा हूँ मैं। वाइट शेर, व्हाइट शेर नहीं है, कलर किया हुआ है। आप असली शेर दिखाने लेके जा रहे हैं ना मुझे? हाँ असली असली व्हाइट शेर है, असली शेर है, शेर नहीं और शेर है दोनों है। कितना बड़ा है? वही जो साइज होता है इसका शेर का। फिर भी अंदाजन कितना बड़ा है? जितना बड़ा शेर होता है इतना। शेर कितना बड़ा होता है? मैंने तो नहीं देखा। फुल साइज? हाँ प्योर व्हाइट है। हाँ प्योर व्हाइट। आगे क्या है? आगे कलर का है शेर, आगे एक लाल कलर का भी शेर है। आगे मेहंदी लगाई हुई है या असली में लाल? असला उसका अपना रंग है। देखो ये देखो शेर है ना, मैंने आपको तो है। देखो ये भी ना उठ रहा है ना बाहर निकल रहा है, ये सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बीमार है ये। इधर उधर हो रहे हैं, कुछ ना बे ना वो बे, क्या मसला है? आपको क्या लग रहा है शेर नकली है? नकली है, रिमोट वाला लग रहा है यार। फिर शेर है ना, उसको गंदा कर दिया, बिल्कुल नहलाया नहीं है, नहलाया नहीं। हाँ बहुत अच्छा लगा देखने में। मतलब उसको सफेद शेर को जो है आप कह रही हैं नहलाना चाहिए? हाँ नहलाना चाहिए, और जानवरों को खाना भी देना चाहिए, बहुत
तड़प रहे हैं वो खाने के लिए, बदके खाना नहीं दे रहे हैं, खाना देना चाहिए उनको, क्योंकि शेर ऐसा लग रहा है जैसे बकरी। हाँ, बकरी की तरह लग रहा है। हाँ। खाना देना चाहिए ना, खाना नहीं दे रहा ये लोग। शेर है यहाँ पे, शेर कहीं शेर है उस तरफ है शेर, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहा। बात क्यों करे शेर, बात क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा, बाहर ही नहीं आ रहा वो। इसको आप कुछ जरा बोले कुछ बातें करने के लिए। ये तो हिल्ला जुल्ला है, कौन सा हिल्ला है, इसको ना खड़ा करवाए, सिर्फ खड़ा करवाए, खड़ा करके दिखाएं। ये तो गार्ड को बोलना पड़ेगा, वो खड़ा करेगा। आपको नहीं आता ये तो? नहीं, ऐसे थोड़ी होगा खड़ा ही। मैं शेर हूँ, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। दूसरे मुल्कों में जो है जानवर की कितनी इज्जत करी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, सगा भाई समझा जाता है, सगा भाई घर का फर्ज समझा जाता है। तो कुत्तों को कैसी मोहब्बत दी जाती है हमारे मुल्क में? हमारा देख लो ना, यहाँ पे निज़ाम देखो, आगे जाके पिंजरे में ना खुराक डलती है इनको, कुछ नहीं, वो परेशान हो गए जानवर भी। मैंने वहाँ पे देखा है, वो एक अंकल आए हुए थे, गुटखा खा रहे थे मावा, उन्होंने वही बतख को डाल दिया। तो देखो अभी हालत इनकी। अरे मुझे दे, मैं डाल दूँ। बिल्कुल कैच करता है ये। नहीं, बंदर ही, बंदर ही सही नहीं है। नहीं सही है, कई खेले खाए। ले लिया अंकल, बंदर को केले खिला रहे हैं क्योंकि बंदर कमजोर हो चुका है। हाँ, खाना नहीं दे रहे हैं। हमें घर में खाना नहीं मिल रहा, शेर को पिंजरे में खाना नहीं मिल रहा। यही बात है, महंगाई इतनी, कहाँ से दे खाना। एक मगरमच्छ नजर आ गया, इधर आए मैं दिखाता हूँ आपको, इसका मुंह देखें कितना। अरे ये क्या लकड़ी है? ये मगरमच्छ था लेकिन लकड़ी बन गई। ये देखें आप, ये एक टाइम पे ये मगरमच्छ था, ये यहाँ पे पड़े पड़े, इसको खाना नहीं दिया तो ये लकड़ी बन गई है। यहाँ पे लोग हैं वैसे देखा जाए तो, लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, पहले आते थे, अभी नहीं आ रहे, अभी आशिकी करने आते हैं, डेट मारने आते हैं बस। मतलब चुड़िया घर में लड़का लड़की जो है वो देखें, वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो हाथ पकड़ के चलते हो, कोने में भी चले जाते हैं उन लोगों को मौका मिले। बंदर की जो आदतें होती हैं पूरी इंसान की तरह होती है। वैसे तो मैंने कोई इस पर सर्चिंग तो नहीं की, लेकिन ये है कि लगता है जैसे इसकी आदत देखें, उसे लटकने की, उसके खाने की, उसने ऐसा खाया कि वो छिलका बाहर फेंक दिया, इंसान की तरह खाया। हाँ, एक जगह तो मैंने देखा, अभी एक जगह मैंने देखा बनमानस, वो बनमानस नहीं है, वो कुत्ता है, कलर दिया हुआ है। मतलब बंदर के पिंजरे में कुत्ता रखा हुआ है, कलर करके। ये देखो, ये कौन सा कराची ज़ू है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि शेर को पेंट करके रखा हुआ है, ये शेर नहीं है, कुत्ता है। यार मेरे को तो पहले से लग रहा है, अभी मेरा तकरीबन आधा घंटा हो गया, सोच रहा हूँ ये न उठ रहे न कुछ बोल रहे। इतना बड़ा डॉगी होगा ये, आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा होगा। आपको क्या लग रहा है कि इनका और ख्याल रखना चाहिए, इनको ख्याल रखना चाहिए, इनको और ख्याल रखना, जब इतना पाले हो तो ख्याल रखो ना। और कौन सा आंटी एक ऐसा जानवर है जो इधर आना चाहिए पाकिस्तान में? अब आना चाहिए कोई जानवर तो, सारे तो शेर वेर सब मर गए हैं। रीच भी है। हाँ, रीच है वहाँ पे बैठा हुआ है, रीच है। घोड़े ओड़े नहीं है यहाँ, पट्टे वाले घोड़ा है? नहीं, घोड़े नहीं है। आना चाहिए ना। अच्छा, जब आपकी जवानी थी, जब आप छोटी थी, यहाँ पे कितने घोड़े थे? बहुत थे, जेबरा था, घोड़े थे, सब थे। अब तो बहुत कम जानवर हो गए। क्यों, इस मुल्क से हर कोई जानवर भी जा रहे हैं अब तो? अब बेकार हो गया, बिल्कुल जंगल हो गया ये तो। नहीं, अभी तो हम जंगल में ही आए हैं, चिड़िया घर को जंगल ही कहते हैं। चिड़िया घर को जंगल कहते हैं, लेकिन है ही नहीं, कोई जानवर ही नहीं है देखने लायक। पीछे ट्रेन आ गई, ये माशाल्लाह, ये डायरेक्ट दोजख जाने का रास्ता, डायरेक्ट दोजख जाने का रास्ता। इस पे लड़के लड़कियां बैठे हैं। वालेकुम सलाम। कितने केले लेकर आया बंदर के लिए? अरे ये असल में कोई 4-5 दर्जन है। 4-5 दर्जन अंकल केले लेकर आए बंदर को खिलाने के लिए। असल में मैंने कहा चलो बंदर भी खा ले, हमारे बच्चे जो है ना खुश रहे, उनकी खुशी के लिए। बच्चे भी खा रहे हैं? उनके लिए भी था, वो उससे बड़ा केला था। बहुत अच्छे अच्छे तोते नजर आते थे। मेरे ख्याल से शेर ने खा लिया है बच्चे को। वो कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत खुशी, और आपको देख के और ज्यादा खुशी होगी। मतलब चिड़िया घर में जानवर को देख के इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे देखी हुई, आपको देखी हुई है। मैं भी यहाँ पिंजरे के अंदर आ जाऊँ? सर आप ना आए तो बेहतर है, आप हमें फिर एंटरटेनमेंट कैसे मिलेगा सर। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।